जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का, बताइए हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। जो है ये लोग जितना, वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। एकदम फालतू बात बोलता है, जा रहा है। क्या कहिएगा हमको? सभी दलों को, ज्यादा से ज्यादा दलों को, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शनिवार को ही ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जवाब आ ही गया। उन्होंने कहा है कि उसको कहिए कि करा दे। इसी तरह की बात जो कोई बोलता है, भला बताइए तो हम कभी बोलते हैं इस तरह की बात? जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है उसे बुद्धि ही नहीं है। जो मन करे वो बोले, उसको कहिए कि उसकी इच्छा है तो वही करे। बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा है कि आजकल जो लोग बोल रहे हैं इन लोगों को बुद्धि ही नहीं है। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या आप ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं? इस बात पर नीतीश कुमार ने कहा है कि ये सब पूछने की क्या जरूरत है, जब हम सब चीज कर लेंगे तो आपको खुद से ही बता देंगे। हम तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा है कि उनको कह दीजिए कि हमको मिट्टी में मिला दे। और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, वो सुने आप लोग। राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे, आपके राजनीतिक जीवन को, ऐसी बात को आप कैसे देखते हैं? अब कह तो उसको कहिए ना, करा दो। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का, बताइए हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले, कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता बन नहीं है आजकल, जो है ये लोग जितना, वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। अश्रद्धे आप सोच लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा हम लोग रहे हैं, कितना हम शब्द प्रशंसा करते हैं। ममता बनर्जी यूपी की आप जा रहे हैं क्या मिलने? ये सब चीजवा अभी पूछने की क्या जरूरत है? हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। अच्छा सर, बड़ा नेता बनने की होड़ में इस तरह से बयानबाजी को कैसे कहा है कि ये बड़ा नेता बन? जो लोग बोलते हैं आपके खिलाफ, एकदम फालतू बात बोलता है, क्या कहिएगा? हमको सभी दलों को, ज्यादा से ज्यादा दलों को, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं आप लोग। आज जब भी मिलते हैं कह देते हैं हमारी कोई नहीं इच्छा है ना कुछ अपने लिए व्यक्तिगत, हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है उस लोग पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। और जो इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई हुई, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तब कुछ लोग आजकल है जो सब चीज़ को बदल देना चाहते हैं, तब इसलिए तो चाहते हैं, अलग हुए हैं और हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, अब सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे और मिल करके होंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए हम लोग काम करें, मेरा व्यक्तिगत अपना। प्रधानमंत्री ने कहा था आपसे कि कुछ लोग जो है आजकल देश में भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुट चुके हैं, अब क्या कहते हैं उन्हीं से पूछिए, हमको क्या जरूरत है? हमको तो जो कहना है हम उतना कह दिए कि समूचा जो देश का आज तक का इतिहास है आप उसको धीरे धीरे देख रहे हैं, अब नई टेक्नोलॉजी पर जो कब्जा है तो आप देख रहे हैं, पुरानी चीजें अब आ रही हैं, सब चीज जो कितना था और कितने बड़े बड़े लोगों ने जो काम किया, तो उनको सबको अपना बुलाना था। हम लोग इसीलिए एकजुट कर रहे हैं पूरे देश में, हम लगे हैं अभी, लेकिन अपने लिए मुझको नहीं पूछा। तो आपने सुना नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को क्या कहा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।